नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेन्यूलस इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। इस कंपनी के फंडामेंटल आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ग्रेन्यूलस इंडिया लिमिटेड जो है और इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं, ये इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग में, फार्मा इंग्रेडिएंट्स में और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स में, है ना, और फिनिश्ड डोजेस में। इस कंपनी की हम बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट है वो 60 से ज़्यादा कंट्री में फैला है, मतलब ये 60 से ज़्यादा कंट्री में अपना बिजनेस करती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इसकी हम आगे बात करते हैं तो इसकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसमें देखिए, ये यूएसए में भी इसका 57% रेवेन्यू जनरेट हुआ है, यूरोप से 15% है, लैटिन अमेरिका से 9% है, इंडिया से 13% है और अन्य ऑल ओवर वर्ल्ड से 6% का इसने रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। तो यह एक ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रेजेंस रखने वाली कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें हम तो इसके 5 एपीआई और एक फिनिश डोजेस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इंडिया में, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है और तेलंगाना में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ की बात करें, देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वही कंपनी ग्रोथ और फ्यूचर के हिसाब से अच्छी रहती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करे। तो इस कंपनी ने जो तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 4% इसके रेवेन्यू का 108 करोड़ रुपये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया है। इसके अलावा कंपनी ने 44 ANDA एप्लीकेशन फाइल करी थी US में, जिसमें से 26 अप्रूव हो चुकी हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने उसकी कुछ जॉइंट वेंचर्स की कंपनी थी उनको सेल्स कर दिया है, जिससे कंपनी को और प्रॉफिट हुआ है, है ना। इसके अलावा ग्रेन्यूलस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है ये 1000 करोड़ रुपये अगले 3 सालों में इन्वेस्ट कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक अपने ऑपरेशंस जो हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए। तो दोस्तों, यह एक बहुत अच्छा फंडामेंटल है। अब आगे हम इसके जो टेक्निकल है उसकी बात करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 6090 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। स्टॉक की हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 14.2 इसका प्राइस अर्निंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25.4% इसका कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 27.4% इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 सालों के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21.6% इसने रिटर्न दिया है इक्विटी पे। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट की बात करें तो 60.6% इसने जो है प्रॉफिट दिया है। तो इस हिसाब से एक बहुत ही अच्छी कंपनी प्रतीत होती है। आगे हम इसके चार्ट की बात करें तो अभी ये जो कंपनी है इसका प्राइस जो है इसके 52 वीक लो के करीब चल रहा है। जो इसका 52 वीक का लो था वो 239 रुपये था, ये अभी 246 रुपये पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं ये टाइम इन्वेस्ट करने का हो सकता है इस कंपनी में, जो आगे फ्यूचर में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता है। इसके एनालाइज की बात करें तो कंपनी ने जो गुड प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसकी गुड है, जो इसने 5 सालों में 34.89% की ग्रोथ है इसकी। इसके अलावा कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 19.18% है पिछले 10 सालों में, मतलब इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छी है और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा इसके क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करते हैं तो देखिए, मार्च 2021 में इसका 799 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, जून 2021 में 850 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, सेप्टेम्बर 2021 की बात करें तो 888 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था, और दिसंबर 2021 में 997 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था। मतलब हर क्वार्टर में इसका रेवेन्यू भी जो है आप देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है दोस्तों। वहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए 120, 81, 101 रुपए पर हर साल, मतलब हर क्वार्टर में इसका जो है रेवेन्यू बढ़ता गया है। इसके हम देखिए पिछले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो सेल्स जो 2019 में 2279 करोड़ की थी, वहीं मार्च में थोड़ी बढ़ के 2599 करोड़ रुपए हुई है, मार्च 2021 में 3238 करोड़ हुई है और पिछले 12 महीनों में ये 3534 करोड़ रुपए हमें सेल्स यहाँ दिख रही है दोस्तों। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी आप देखें तो हर साल बढ़ते हुए, जहाँ 2019 में इसका 236 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट था, 20 में 335 हुआ है, 21 में 549 हुआ है और इस साल थोड़ा कम दिखा रहा है, 429 करोड़ रुपए इसका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों अभी पिछले 12 महीने में। बैलेंस शीट पे हम बात करते हैं, कंपनी पे 2336 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। वहीं आप बोरोइंग की देखें तो 975 करोड़ रुपए के मात्र इस पे बोरोइंग है, तो एक प्रकार से ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। साथ ही असेट्स की बात करें तो 1417 करोड़ रुपए की कंपनी पे असेट्स है ना,
अब इसके हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है 41.98%। इसके अलावा आप देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है, 23.19% है ना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की आप इसमें होल्डिंग देखेंगे तो 3.98%, और पब्लिक की जो होल्डिंग है मात्र 30.85% है। तो ये फंडामेंटल है उसके हिसाब से कंपनी एक बहुत ही फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देने वाली कंपनी साबित हो सकती है, या BSE की टॉप 500 कंपनियों में से एक है, ए ग्रेड की कंपनी है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 2021 में 3 बार डिविडेंड दिया है, एक इंटरिम डिविडेंड दिया है, फिर फाइनल डिविडेंड दिया है, फिर इंटरिम डिविडेंड दिया है, फिर इंटरिम डिविडेंड दिया, मतलब 4 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 2022 में इसने 17 फरवरी को डिविडेंड दिया है, आगे भी आपको अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। ये देखेंगे आप 2007 से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करते हुए आ रही है अपने मेंबर्स को। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है जो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ आपको दिला सकती है आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो आप यदि चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।